शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। सर, मैं रजौरी कांस्टिट्यूएंसी से आता हूँ जो कि एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और लोगों ने बड़े प्यार बड़ी उम्मीदों से वोट डाला और बड़ी उम्मीदों से मुझे इस असेंबली में भेजा। सिर्फ मुझे ही नहीं, यहाँ जितने भी मेंबर्स यहाँ बैठे हैं सबको बड़ी उम्मीदों से यहाँ भेजा। और जब मैं यहाँ असेंबली में आया तो मुझे एक जज्बा था और मेरे अंदर बड़ी उम्मीद थी कि लोगों ने मुझे वोट दिया और सबको वोट दिया और आज मुझे उनकी आवाज लेकर असेंबली में जाना है और उनकी आवाज उठाना। लेकिन पिछले दो तीन दिन में हमने जो देखा मैं चेंज कर दूं, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था। हमारे भाजपा के लोग जो उनका कंडक्ट था उनको ये पता ही नहीं कि लोगों ने उनको वोट देकर एमएलए बनाया और उनका काम क्या है। और जिस तरीके से यहाँ असेंबली के अंदर जो कंडक्ट उनका रहा बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। हमें सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग नहीं देख रहे, हमें सिर्फ हिंदुस्तान के लोग नहीं देख रहे बल्कि इस असेंबली को पूरा वर्ल्ड देख रहा है, पूरे दुनिया के लोग देख रहे हैं। क्योंकि 6 साल के बाद यहाँ इलेक्शन हुए और 6 साल के बाद लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ वोट डाला। 10 साल इलेक्शन, लेकिन असेंबली जो थी वो 6 साल के बाद, क्योंकि 18 तक तो असेंबली नहीं। स्पीकर साहब, रेजोल्यूशन की बात की गई, आज कितना अच्छा होगा। ये सच बात है कि डेमोक्रेसी में अपोजिशन का एक रोल होगा। अगर आज अपोजिशन यहां उस पार्टी के एमएलए यहां होते तो उनसे मैं कुछ सवाल करता, क्योंकि मैं जम्मू रीजन से आता और उन्होंने जम्मू की बात की कि हम जम्मू की नुमाइंदगी करना चाहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जो रेजोल्यूशन मूव किया गया, क्या उनको स्टेटहुड नहीं चाहिए? क्या वो जम्मू के अंदर जाकर लोगों को बताए कि हमें स्टेटहुड नहीं चाहिए? अगर उस रेजोल्यूशन में लैंड राइट्स के बारे में बात की गई, जॉब राइट्स के बारे में बात की गई, और ये रेजोल्यूशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2 दिन पहले मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसमें एक लिस्ट निकलती है 2 दिन पहले और उसमें एनाटॉमी डिपार्टमेंट में एक डिमोन्स्ट्रेटर की अपॉइंटमेंट होती है और वो डिपार्टमेंट का जो डिमोन्स्ट्रेटर है वो यूपी का। क्या हमारे लोगों में इतना टैलेंट नहीं है? आज अगर नॉन पीएससी का एम्प्लाइज भी यूपी और बिहार से आएगा तो हमारा नौजवान कहां जाएगा? आज हमारी जॉब की प्रोटेक्शन की बात बहुत जरूरी है। आज एलजी साहब का एड्रेस हुआ बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हम उसकी सपोर्ट में मैं खड़ा हुआ हूं। उसमें काफी सारी बातें की गई, स्टेटहुड के बारे में बात की गई, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के बारे में बात की गई। मैं बीजेपी के साथियों से पूछना चाहता हूं, आपके होम मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर, देश के प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर प्रॉमिस किया कि इलेक्शन के बाद हम जल्द से जल्द स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज देंगे, तो फिर क्या रीजन था कि उन्होंने इस रेजोल्यूशन को अपोज किया? क्योंकि बीजेपी का एक मंशूर रहता है, वो 12 महीने इलेक्शन मोड में रहते हैं, वो हर मौका ढूंढते हैं कि उनको इलेक्टोरल बेनिफिट कैसे होगा। उन्होंने महाराष्ट्र का चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, तो बस उन्होंने मिसलीड करना था। और उन्होंने रेजोल्यूशन, किसी मेरे साथी ने ठीक कहा, उन्होंने रेजोल्यूशन को पढ़ा ही, उस रेजोल्यूशन में कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो नेशनल सिक्योरिटी को जिससे खतरा हो या जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन मूव किया। जो एलजी साहब ने अपना एड्रेस किया उसमें यूथ पॉलिसी की बात की गई। सच बात है कि जहां हमारी रियासत 10 साल पहले बेरोजगारी में 26 नंबर पर थी, आज पहले नंबर पर आ गई। ये बीजेपी, ये इस सरकार ने हमें दिया। आज
10 साल में हमें जो जख्म दिए गए उनको मरहम लगाने का वक्त है, ये मैंडेट जो है उसको मरहम लगाने का मैंडेट है और लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। इसलिए चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं, उन्होंने यूथ को जॉब देने की बात कही। मैं उनसे कहूंगा कि मैं जिस एरिया से आता हूं हमारे पास कुछ नहीं है, ना हमारे वहां इंडस्ट्री है ना वहां कुछ है, सिर्फ हमारे पास एक बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है। आपने एजुकेशनल जम्मू कश्मीर स्टेट को एजुकेशनल हब बनाने की बात की, लेकिन जो यूनिवर्सिटी आज क्राइसिस में है, आज फाइनेंशियल क्राइसिस इतना है कि वो यूनिवर्सिटी डिग्रेड हो रही है। मैं आपके मुसादत से चीफ मिनिस्टर साहब और सरकार से कहूंगा कि उस यूनिवर्सिटी की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, उनके बहुत सारे मसाइल हैं। स्पीकर सर, आज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात कही, लेकिन मैं आपके नोटिस पे लाना चाहूंगा कि रजौरी में मेडिकल कॉलेज है और मुझे लगता है कि देश में एक ऐसा मेडिकल कॉलेज होगा रजौरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जिसका मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग एक जगह है और हॉस्पिटल 10 किलोमीटर दूर है। अगर बच्चा थ्योरी पढ़ने के लिए कॉलेज में जाता है तो प्रैक्टिकल करने के लिए उसको 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ये मैंने किसी भी मेडिकल कॉलेज में नहीं देखा। तो पिछले काफी अरसे से वहां परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है, जिसकी वजह से उस हॉस्पिटल की हालत और मेडिकल कॉलेज की हालत बहुत खस्ता हालत में है। यहाँ हेल्थ मिनिस्टर मैम बैठे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक परमानेंट प्रिंसिपल वहां दीजिए ताकि उसकी हालत सुधर सके। सर, यहाँ एड्रेस में फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में बात की गई और एलजी साहब ने कहा कि हमने ट्राइबल्स को फॉरेस्ट राइट एक्ट दे दिया, लेकिन रियलिटी जो है वो इसके बिल्कुल उलट है। आज भी जो हमारे वहां गुजर बकरवाल भाई है, जो पहाड़ी भाई है, जो ट्राइबल्स है, उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से तंग किया जाता है। उसके बारे में भी फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब यहाँ है और मैं हाउस की अटेंशन चाहता हूँ और फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब इस पर डायरेक्शन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे, क्योंकि मुझे काफी लोगों ने यह बताया कि उनको तंग किया जाता है। आज सर डेवलपमेंट की बात करें तो पिछले 10 साल में रजौरी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आज तक मिनी सेक्रेटरी का काम कंप्लीट नहीं हुआ। 10 साल में एक बस स्टैंड हम कंप्लीट नहीं कर पाए। रोड कनेक्टिविटी की बात करते हैं हम, रोड कनेक्टिविटी लाइफ लाइन है, किसी भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज की लाइफ लाइन है, लेकिन हमारी जो जम्मू से पूंछ तक नेशनल हाईवे है वो पिछले कितने सालों से वो कंप्लीट नहीं हुई। हमारी जो रजौरी डिस्ट्रिक्ट है सर, अगर उसकी टोपोग्राफी जियोग्राफिकली देखें और क्लाइमेट के हिसाब से, ना वो ज्यादा गर्म है और ना ज्यादा ठंडा है, और उसका डिस्टेंस जो है वो जम्मू से 150 किलोमीटर और वहां से श्रीनगर 120 किलोमीटर सेंट्रल पॉइंट है। अब उसको अगर हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए तो रजौरी कुछ का कुछ भला हो सकता है। उमर साहब ने वादा किया है कि मैं ऑन स्पॉट रिक्रूटमेंट जो पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस में वहां भर्ती करेंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रजौरी पूंछ के लिए एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई जाए, क्योंकि हमारे पास और कोई रिसोर्सिस यहां नहीं। सर, डेली विजिट्स का इशू बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और हमारी स्टेट में डेली विजिट्स 5,000-10,000 लेके काम कर रहे हैं। इस पर क्योंकि लोगों को उम्मीदें हैं, पिछले 10 साल में कोई काम नहीं हुआ, तो इस पर एक पॉलिसी फ्रेम करके डेली विजिट्स के लिए उनको रेकग्नाइज करने के लिए एक पॉलिसी बनाई जाए। और मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में भी था और कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में भी था, और पेंशन स्कीम, उसका जिक्र कहीं भी इस वर्नल एड्रेस में नहीं है। मैं कहूंगा कि उसको भी इंक्लूड किया जाए ताकि जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको फायदा हो। सर, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ इस शेयर के साथ, इससे पहले मैं एक चीज कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन ने की मंगाई साहब ने जो वारबन में आजादी की वारदात हुई थी, तो मैं उस टीम का हिस्सा था, हम वहां गए थे। हमारे से पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने वहां विजिट की, जब लोगों से हमने बात की तो चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको कुछ माली अमदाद दी थी, लेकिन वहां 84 फैमिलीज, उन्होंने बताया उनके पास कोई मकान नहीं है, अभी भी वो लोगों के घरों में रह रहे हैं। अगर कोई टेम्परेरी शेड्स बन जाते हैं
क्योंकि जब हम 10-15 दिन के बाद गए थे तो वहां उन्होंने कहा कि हमें जो चीफ मिनिस्टर साहब हो गया मैं उसका मैं वो बात नहीं मैं वहां गया हूँ और मैं वो बता रहा हूँ जो क्योंकि मैं 15 दिन के बाद हम गए थे जो है वो मैं उनके नोटिस में ला रहा हूँ क्योंकि वो लोग जो अपने रिलेटिव के घरों में रह रहे उनको कोई टेम्परेरी शेड्स मिल जाए क्योंकि जो उनके पास नहीं है उन्होंने कहा हमें